दोस्तों, ये स्कारलेट टू वैरायटी है और इस पर जो है अभी 24-25 मार्च के आसपास जो है अच्छे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावरिंग जो है बिल्कुल फूल निखरने शुरू हो चुके हैं। और ये जो पौधे हैं, ये पौधे इसलिए यहाँ पे इस वर्ष जो है थोड़ा वीक नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि इनको हमने जो है यहाँ से दोबारा कहीं और जगह से उखाड़ कर जो है यहाँ पर शिफ्ट किया है। और इसके बीच में जो पौधे हैं, M9 पे भी है और 111 पे भी यहाँ पे कुछ बीच में पौधे हैं। इसमें अगर ग्रोथ की बात मैं करूँ तो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे पिक्चर है सामने, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जो पौधे 111 पे यहाँ पे लगाए गए हैं, उन पौधों की जो हाइट है वो हाइट जो है आपकी 8 फीट की हाइट है। आप ये देख सकते हैं पौधे, और ये पौधे भी उखाड़े गए हैं दूसरी जगह से, फिर यहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया है। तो ये 8 फीट का पौधा है और 8 फीट के पौधे के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ जो 3 साल का ये पौधा कंप्लीट हो चुका है। तो 3 साल के बाद जो इसके ऊपर जो फ्रूट बर्ड्स हैं, अच्छी इसके ऊपर जो है मुझे क्रॉप नज़र आ रही है, अच्छी क्रॉप है, कोई कमी नहीं है। कमियां अगर है तो केवल ये हो सकती है कि जो पौधे को जो ट्रेनिंग सिस्टम है वहाँ पे अगर कहीं गलती हुई है, कहीं भी अगर गलती हुई है तो पौधे के ऊपर जो है कमियां महसूस आप फ्रूट की कम कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर गलतियाँ हमारी है। अदरवाइज ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं पौधे को देखूंगा तो मुझे ये बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे जो हमारी एलिवेशन है वो 5,900 फीट के आसपास है, तो मुझे इस एलिवेशन के लिए हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक वेराइटी है स्कारलेट टू। इसके जो कलर हैं और इसकी जो फ्रूट की लाइफ है बहुत ही ज़बरदस्त है। साइज़ भी अच्छा बनता है यहाँ पे, साइज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र ही यहाँ पे कभी आई नहीं है स्कारलेट टू में। स्कारलेट टू में बहुत ही अच्छी क्वालिटी बनती है, मगर इसमें जो है वो ये है कि आपको जो ट्रेनिंग सिस्टम है आपके पौधे का, वो आपको उसकी कैटेगरी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर आप M9 पे लगाते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और M7 111 जैसे आप विगरस पौधे जो बड़े पौधे लगाते हो तो उसके लिए आपको उस पौधे को उसी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा।